जय हिंद दोस्तों। तो अगर यदि आप भी यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आपको पता है 45,000 से अधिक सीटें एसएससी जीडी में हैं और ये पॉसिबल तभी है, आप एक सीट तभी ले सकते हैं जब अपना तैयारी को आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अपने रनिंग के साथ साथ जो है एग्जामिनेशन पर भी आपको ध्यान देना है। आपको हम बता दें कि इस वीडियो में आप जो है जीके के 25 इम्पोर्टेंट ऐसे प्रश्न को आप करेंगे जो आपको परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? सबसे पहले आपको बता दें कल्पना चावला जो है एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, ठीक है, और ये जो है अंतरिक्ष गई हुई थी, वहाँ पे ये बहुत दिन बिताए भी थे। जब वापस लौट रहे थे, ठीक है, लौट रहे थे कुछ ही सेकंड, मान के चलिए 10 सेकंड 15 सेकंड के आसपास था ये, यहाँ पे जो है लैंड हो जाता ये आन, लेकिन पहुँचने से पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, ठीक है, मौत हो गई थी। लेकिन इस जो यान का जो नाम था, अंतरिक्ष यान का जो नाम था, उसका नाम था कोलंबिया। सही आंसर ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, कल्पना चावला साइंटिस्ट थी जो अंतरिक्ष में गई थी और यान की दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनकी मौत हो गई थी और उस यान का नाम था कोलंबिया यान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? जो अंधे, मान के चलिए कोई है ऐसे व्यक्ति जो आंख से नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए एक विशेष तरह की लिपि बनाई गई है, ठीक है, जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि। इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे भी बना रहे थे, मान के चलिए एक पेज है, इसमें कुछ कुछ जो चीज़ें लिखी होती है ना, ये उभरा हुआ रहता है, ठीक है, इसको छू करके वो महसूस करके पढ़ सकता है, समझिए, छू करके, इसी को कहा जाता है ब्रेल लिपि, क्लियर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए एशिया की पूछ रही, कन्फ्यूज नहीं करिएगा। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है आंग टिसिक्यांग, ठीक है, एशिया, यहाँ पे आपको एशिया पूछ रहा है, वर्ल्ड नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एशिया की पूछे तो आंग टिसिक्यांग, अगर यदि आपको इंडिया की पूछे तो, इंडिया की पूछे तो गंगा नदी, ठीक है, अगर यदि आपको वर्ल्ड की पूछे तो नील नदी, ठीक है, नील नदी, तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अमेजन नदी जो है, अमेजन, अमेजन सबसे चौड़ी नदी पूरे विश्व की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत पूछा जा रहा है, ठीक है, तो स्वतंत्र जब भारत हो गया उसके बाद पहले भारतीय जो भारत के व्यक्ति थे गवर्नर जनरल बनाए गए सी राजगोपालाचारी को, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए एक वर्ड कहा जाता है बूल एवं बियर, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बूल एवं बियर शब्द जो है ये आपका शेयर बाजार से संबंधित है, कहाँ से? शेयर बाजार से, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खरीफ फसल काटी जाती है किस महीने में? खरीफ, देखिए आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, खरीफ फसल जो है ये बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं, ठीक है, बरसात के दिनों में, जैसे कि आपका हो गया मकई, ठीक है, जैसे आपका हो गया धान, जैसे आपका हो गया पटसन, ये सारी चीज़ें जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, बरसात के दिनों में यानी कि जून जुलाई में लगाए जाते हैं और इसकी जो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है, ठंडे के दिनों में, तो सही आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगा लेती है? चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए इसको कम से कम 28 दिन का समय लगता है, ठीक है, 28 दिन का समय लगता है। अगर यदि आप झारखंड बिहार यूपी से होंगे तो यहाँ पर जो महीनों की जो यानी कि जो हिंदी कैलेंडर हिसाब के जो महीने होते हैं, होते तो 12 ही है जनवरी फरवरी के हिसाब से, लेकिन कभी कभार जैसे हम लोग झारखंड से, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि महीना में एक यहाँ पे वृद्धि हो जाता है, 13 महीना हो गया 12 महीना के जगह पर, जैसे जो ये जैसे चलता है श्रावण मास भाद्रपद ये सब जो महीने जो चलते हैं उसके हिसाब से कभी कभार 13 हो जाते हैं। तो ये 13 बढ़ने का कारण क्या है आपको पता है? कि ये जो 28 दिन में जो यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा का जो है
यानी कि चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, ये जो दो दो दिन बचते हैं ठीक है, इसी को जोड़ करके जब ये 28 दिन होता है तो वहाँ पे एक खरमास हो जाता है, समझ गए, तो एक महीना वहाँ पे बढ़ जाता है। इसीलिए लोकल में कभी कभार ये आपको सुनने के लिए मिलता होगा। हालांकि कोई नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में स्थित है? त्रिपुरा जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। सेवन सिस्टर में त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत के दिशा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे आप। ऑप्शन ए मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? स्विट्जरलैंड, इसकी जो राजधानी है वो बर्न है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। अगला प्रश्न है तामसेन, देखिए तामसेन यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे तानसेन, ठीक है ना। देखिए तानसेन जो है किसके दरबार के राजकवि थे? सही आंसर होगा अकबर के, ठीक है, अकबर के। अकबर का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1556 में ये गद्दी पर बैठा था, सॉरी 1556 में गद्दी पर बैठा था। इसका जो पिता का नाम था हुमायूं था, इसके पिता का नाम हुमायूं था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर, ठीक है, बाबर। 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर का जीत हुआ था। उसी टाइम से यहाँ पे जो है इसने अपना स्थापना किया था अपने साम्राज्य का, समझ गए। तो तानसेन जो है अकबर के दरबार में राजकवि थे। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा यहाँ पे देश जो है अलग हुआ था उस टाइम जो है लगभग 565 यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे और उसको मिलाने का ये काम किए थे पूरे भारत में, समझ गए। चलिए तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिस के खेल से सानिया मिर्जा का संबंध। शादी इसने कहाँ पे किया था? पाकिस्तान में, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले इसका क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, समझिए ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? तो कभी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं जो व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री तो पहले प्रधानमंत्री बने ही थे, महात्मा गांधी किसी भी पद पर नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने। 1948 ईस्वी में 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी गोली मार के नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। उसी दिन यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को 30 जनवरी को। अगला प्रश्न देखिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संसद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखिए जब हमारा भारत का संविधान बना, आपको बता दें कि संविधान जो है भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित है, ठीक है। जब भारत का हमारा संविधान बना तो देखिए संशोधन का क्या मतलब होता है? संशोधन का मतलब होता है कि यदि उसमें कुछ अब काट छाँट या फिर कुछ जोड़ना चाहते हैं उसको संविधान के भाषा में कहा गया है संशोधन। तो यहाँ पे काटने छाटने की आवश्यकता पड़ गई, कुछ जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, तो सबसे पहले यहाँ पे संविधान में संशोधन यानी कि इसको किया गया, तो इसको किया गया था 1951 ईस्वी में, समझे, 1951 ईस्वी में 10 मई 1951 ईस्वी में बात उठी और यहाँ पे जो है 18 जून को ये पारित हुआ था। 10 मई को उठा और 18 जून को यहाँ पे पारित हुआ 1951 ईस्वी में। पहला संशोधन संविधान में किया गया था, सेकंड किया गया था 1952 ईस्वी में, ठीक है, 1952 में सेकंड किया गया, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगणमन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगणमन, और ये जो प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित करने के समय पूछ रहा है, 1912 ईस्वी में, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर निम्नलिखित में से किस शहर के नाम से जाना जाता है, किस शहर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा जयपुर जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट आपको पता है भारत में स्थित नहीं है, ये आपका नेपाल में स्थित है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल जाने के लिए आपको कोई वीजा का प्रयोग नहीं करना होता, बिना वीजा का आप नेपाल यहाँ पे विजिट
कर सकते हैं। काठमांडू यहाँ की क्या है, काठमांडू यहाँ की राजधानी है, ठीक है, नेपाल की। 21 राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे आसानी से वहाँ पे जो पौधा उगता है वह है कैक्टस, ठीक है, कांटों से भरी रहती है कैक्टस, और राजस्थान में सबसे अधिक ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बालू सबसे अधिक ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, सैंड सबसे अधिक है, रेगिस्तान है इसीलिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हवा महल आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, हवा महल जो आपका स्थित है ये आपका जयपुर में स्थित है, गुलाबी नगर भी हम लोग देखें जयपुर, और जयपुर में क्या फिर स्थित है, हवा महल, ठीक है। आगरा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में है आगरा, आगरा में क्या है, तो आपका ताजमहल, ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, आगरा किस राज्य के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। चलिए तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आना है, समझ में रखना है। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, बाद में ही पाटलिपुत्र क्या जाके बन गया, पटना बन गया। पटना किसकी राजधानी है, बिहार राज्य की। पटना किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा किनारे स्थित है, ठीक है, ठीक है, गंगा के किनारे। यहाँ के सीएम अभी कौन है, तो यहाँ के सीएम है आपका नीतीश कुमार जी, ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है, विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है, विशाखापट्टनम ये जो स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश 2014 ईस्वी में, ठीक है, दो भागों में बट गया, कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया, आंध्र प्रदेश तो था ही, तेलंगाना जो है यहाँ पे उर्दू जैसा लिखा गया। देखिए तेलंगाना एक अलग यानी कि नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था आंध्र प्रदेश से कट के 2014 ईस्वी में, उस टाइम राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 29, अभी फिर से कितनी है, 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे राज्य का दर्जा हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, क्लियर है। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अफ्रीका में, ठीक है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में। अफ्रीका जो है यहाँ पे जो है ये यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, अफ्रीका, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, 25 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, करें या ना करें लेकिन आपको लाइक एक जरूर करते जाना है। थैंक यू।